हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जोधपुर में कोरोना जन जागरूकता रैली निकाली। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के प्रयास में जुटे नगर निगम, जिला और पुलिस प्रशासन की ओर से जन जागरूकता कार्यक्रमों का लगातार आयोजन किया जा रहा है। शुक्रवार को नगर निगम की ओर से एक साथ 7 स्थानों से जन जागरूकता रैली आयोजित की गई। इसमें जिला व पुलिस प्रशासन ने नगर निगम के साथ संयुक्त रूप से दुकानों, ऑफिसों, वाहन सहित अन्य कई स्थानों पर नो मास्क नो एंट्री के पोस्टर चिपकाए। उन्होंने आम जन से कोविड-19 गाइडलाइन की पालना करने की समझाइश की। नगर निगम उत्तर आयुक्त रोहिताश्वर तोमर ने बताया कि कोरोना के प्रति आम जन को जागरूक करने के लिए महामंदिर चौराहे से नागौरी गेट चौराहे तक, सिवाची गेट से पांचवी रोड चौराहे तक, नई सड़क से घंटा घर तक, सर्किट हाउस से भाटी चौराहे तक, बॉम्बे मोटर चौराहा से जूना खेड़ापति बालाजी मंदिर तक, भदवासिया पेट्रोल पंप से आगे और गोल्ड बिल्डिंग से चिल्ड्रन पार्क तक 7 जन जागरूकता रैलियां आयोजित की गई। नगर निगम दक्षिण आयुक्त सुरेश कुमार ओला ने बताया कि बॉम्बे मोटर चौराहे से जून खेड़ापति बालाजी मंदिर तक निकाली गई जन जागरूकता रैली में पुलिस उपायुक्त पश्चिम आलोक श्रीवास्तव सहित अन्य पुलिस अधिकारियों ने भी भाग लिया। इन रैलियों में आम जन को रेडियो साउंड के माध्यम से कोरोना गाइडलाइन की पालना करने की अपील की गई। साथ ही नो मास्क नो एंट्री, नो मास्क नो सर्विस के पोस्टर व स्टिकर दुकानों, हाट ठेलों व वाहनों पर चिपकाए गए। उन्होंने बताया कि कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए आम जन को जागरूक होना पड़ेगा। कोरोना गाइडलाइन की पालना कर संक्रमण दर को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए मास्क का नियमित रूप से उपयोग किया जाए तो कोरोना से काफी हद तक बचा जा सकता है। मास्क लगाना कोरोना से बचाव के लिए अत्यंत आवश्यक है। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए आम जन की भागीदारी होना आवश्यक है। जब तक सभी शहरवासी मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने की आदत नहीं डालेंगे, तब तक कोरोना के संक्रमण को पूरी तरह से नहीं रोका जा सकता है। जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से मुकेश शिमर की रिपोर्ट।